पानीपत के गांव नारायणा में संदिग्ध परिस्थितियों में एक करीब 55 वर्षीय बुजुर्ग की मौत का मामला सामने आया है। बुजुर्ग गांव की गौशाला के पास मृत अवस्था में पाया गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने जाकर देखा तो बुजुर्ग मृत अवस्था में पड़ा था, जिसके बाद परिजनों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और रात को ही शव को पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सिविल अस्पताल में रखवा दिया। वहीं परिजनों ने मामले को लेकर हत्या की आशंका जताई है। परिवार में होगा जी उसको देखने के लिए, तो उन्होंने जाके देखा कि एक गौशाला से 200 मीटर की दूरी पे कमरा है खाली, उसके अंदर वो बोल रहे हैं हमने दारू पी थी बैठ के तीन बंदों ने। तो जी उधर जाके देखा हमने तो हमारे तो मृत अवस्था में पड़े थे और कपड़े उनके निकाल रखे थे नीचे से पजामा, ऊपर का कपड़े ऐसे फोल्ड हो रहे थे। तो हमने दे वहाँ पे जाके देखा तो उसके पजामा उन्होंने फिर पर आया अभी बाद में जी, उसके अंदर फिर एक कटोरी निकली थी कांच की, एक नमक का जो होता है सिंधा नमक बोलते हैं उसको, वो पड़ा था सर उसके अंदर, और राख आख जो उसके गुप्तांगों पे लगा रखी थी जी। ठीक है सर, सर हमें तो डेथ ही लगे, मर्डर केस ही लगा सर। किसने मारा, किसको सर? जो दोनों दारू पी उनके साथ में उन्हीं पे सगा सर हमें। वही मामले को लेकर DSP सतीश कुमार बस ने बताया कि गौशाला के पास एक शव बरामद हुआ है जिसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी मौत का कारण सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हाँ, नहीं बताएगा वो बॉडी वहाँ पर मिली है गौशाला के पास, और घर वालों ने ये बयान दिया कि भाई शराब पी रहे थे और मौत के कारणों का पता लगाया है, तो इसमें कार्रवाई हम कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाएंगे, पोस्टमार्टम में जो कॉज ऑफ डेथ आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की। फिलहाल बुजुर्ग व्यक्ति के शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के हवाले कर दिया गया है और पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। अब देखना होगा पुलिस कब तक पूरे मामले से पर्दा हटाने का काम करती है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV।